भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगझो एशियन गेम्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 24 सितंबर रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में बांग्लादेश ने भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 52 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 8.2 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की ओर से जेमिमा रॉड्रिगस ने सबसे ज्यादा 20 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कम से कम सिल्वर मेडल तो अब सुनिश्चित कर लिया है। अब फाइनल मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। जहां इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम ने शुरुआत से ही अपने विकेट गवा दिए। मैच की पहली गेंद पर ही उसे अपना शुरुआती विकेट गवा दिया। पावर प्ले में बांग्लादेश ने अपने 4 विकेट खोए, जिसमें से 3 विकेट पूजा वस्त्राकर ने लिए। बांग्लादेश के विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा और नतीजा ये निकला कि पूरी टीम 17.5 ओवर में 51 रनों पर ही सिमट गई। बांग्लादेश की ओर से कप्तान निगारा सुल्ताना ने महज 12 रन बनाए, तो वहीं 5 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल पाई। भारत के लिए पूजा वस्त्राकर ने 4 ओवर में 17 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, तो वहीं टेटा सांधू, राजेश्वरी गायकवाड़, देविका वैद्य और अमनजोत कौर ने मैच में 1-1 विकेट लिया। एशियन गेम्स में इस बार क्रिकेट का इवेंट भी आयोजित हो रहा है। साल 2014 के गेम्स में भी क्रिकेट का इवेंट रखा गया था, जहां बीसीसीआई ने ना तो पुरुष और ना ही वुमेन्स टीम को वहां पर भेजा था, लेकिन इस बार भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में भाग ले रही है। 2010 के खेलों में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने क्रमश पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था, तो वहीं साल 2014 में श्रीलंका ने पुरुष वर्ग में और पाकिस्तान ने महिला वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया। महिला वर्ग में क्रिकेट मैच शुरू भी हो चुके हैं, जिसमें भारत अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।